रिकॉर्ड 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस को आईपीएल के 14वें सीजन के यूएई चरण में गुरुवार को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी। उसे अबू धाबी के शेख जैद स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट से शिकस्त दी। इस हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा निराश नजर आए और उन्होंने हार की वजह भी बताई। नए खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर के शानदार प्रदर्शन के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के इस सीजन के बहाल होने के बाद लगातार दूसरी जीत दर्ज की। आयन मॉर्गन की कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर अंक तालिका में टॉप 4 में जगह बना ली है। मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी हार रही। अपना दूसरा ही आईपीएल मैच खेल रहे वेंकटेश ने 30 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 53 रन बनाए। वहीं राहुल त्रिपाठी 42 गेंदों में 74 रन बनाकर नाबाद रहे। केकेआर ने मुंबई को 6 विकेट पर 155 रन पर रोकने के बाद 29 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं मैच के बाद रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा, हमने वास्तव में अच्छी शुरुआत की लेकिन अंत तक उसका फायदा नहीं उठा सके। मुझे लगा कि यह एक अच्छी पिच है लेकिन शुरुआत का फायदा उठाने में हम नाकाम रहे। इसके अलावा हमने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी भी नहीं की। मैं इस पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहता। चीजें बेहतर हो सकती हैं और आपको आगे बढ़ना होगा। उन्होंने आगे कहा, अच्छी शुरुआत के बाद हमने छोटी छोटी साझेदारियां करनी पड़ी लेकिन हम नियमित अंतराल में विकेट गंवाते रहे। नए बल्लेबाजों के लिए गेंद को हिट करना आसान नहीं होता। यह कुछ ऐसा ही रहा जैसे पिछले मैच में भी हुआ था। हम इस पर फोकस करेंगे। हम अभी भी अंक तालिका के बीच में हैं, इसलिए हमें वापसी करनी होगी, लड़ना होगा और उम्मीद है कि जीत हासिल होगी। बता दें, रोहित ने इस मैच में 30 गेंदों में 33 रन बनाए और विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक के साथ टीम को शानदार शुरुआत भी दी। क्विंटन डीकॉक ने 55 रन की शानदार पारी खेली और रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़े। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने वाले रोहित चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ पिछला मैच नहीं खेले थे। हार्दिक पांड्या लगातार दूसरे मैच से बाहर रहे जिससे उनकी फिटनेस पर सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।